हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे कुछ इस टाइप का, और अपने बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप का हाई ब्लर बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ये सिंपल पिक है। तो फ्रेंड्स, इसका लाइट वेट सही करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से इसको अलार्म ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी लाइट है और फेस भी लाइट है। तो आप लोग को सबसे पहले लाइट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक्सपोजर 10 पर रख लीजिएगा, और कंट्रास्ट को फ्रेंड्स आप लोग 25 तक रख लीजिएगा, और हाईलाइट को फ्रेंड्स आप लोग 80 के करीब रख लीजिएगा, और शेडोज को फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ शेडोज को आप लोग को कम कर देना है 37 तक, और वाइट्स को भी फ्रेंड्स आप लोग 35 तक कम कर दीजिएगा, और ब्लैक्स को भी 30 तक कम कर दीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कलर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से इसका वाइब्रेंस फ्रेंड्स आप लोग 50 या 55 तक कर लीजिएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से देख ली ग्रीन वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, और इसका ह्यू -100 तक, और सेचुरेशन फुल रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को येल्लो पे आना है। येल्लो पे आने के बाद आप लोग इसका सेचुरेशन फुल कर दीजिएगा, और ह्यू को फ्रेंड्स थोड़ा सा कम करना है आप लोग को। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से ऑरेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फेस को गोरा करने के लिए। तो हम लोग सेचुरेशन थोड़ा सा और ल्यूमिनेंस को फुल कर देंगे यहाँ से, और इसका ह्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे 4 तक। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा और ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो उसके बाद आप लोग को ब्लू पे आ जाना, अगर आप लोग का ब्लू कलर का शर्ट होगा तो इसका सेचुरेशन हल्का सा बढ़ाइएगा और ह्यू को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पिक को हम लोग सेव कर लेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए इसको स्नैपशीट एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको स्नैपशीट एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले टूल्स पे जाना है। तो टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को हीलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, देख लीजिए हीलिंग का, देख लीजिए। तो हीलिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से आप लोग को पूरे चेहरे पे कर लेना है, और कुछ इस टाइप से आप लोग अपने पूरे चेहरे को रिमूव कर लीजिएगा, और बॉडी को भी कुछ इस तरीके से आप लोग को रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको रिमूव कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग को भी रिमूव कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से फिर से टूल्स पे जाएंगे इसका शार्पनिंग बढ़ाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले टूल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर आप लोग 60 या 70 के करीब, और शार्पनिंग आप लोग को 15 के करीब रखिएगा। और उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ब्लर करने के लिए आप लोग को फिर से टूल्स पे जाना है, और टूल्स पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इसका सर्किल आप लोग छोटा कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है आप लोग को। और ब्लर स्ट्रेंथ फ्रेंड्स आप लोग को रखना है 60 या 70 के करीब रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं आप लोग रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग जो Adobe Lightroom में जिसको हम लोग एडिट किए थे उसको फिर से हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके। तो हम लोग डबल एक्सपोजर पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके Adobe Lightroom में से उस पिक को यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए हम लोग इस पिक को यहाँ से ओपन कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ऑपेसिटी आप लोग फुल कर दीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग नीचे इसको सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सेव करने के बाद आप लोग को सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को व्यू एडिट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसको 100 पे ही रखिएगा फ्रेंड्स, अभी आप लोग को 0 नहीं करना है। सॉफ्ट रखने के बाद
आप लोग कुछ इस तरीके से बॉडी को इरेज कर लीजिएगा, बॉडी पे जितना होगा ब्लर उसको इरेज कर लेना आप लोग को, कुछ इस तरीके से आप लोग भी इरेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत से लोगों को ब्लर करना नहीं आ रहा था, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया हूँ इसी वाले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इस टाइप से अपने फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स आप लोग को इसको जीरो कर लेना है और अपने पिक को जूम करके इसके किनारे किनारे फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इस टाइप से अपने बैकग्राउंड को ब्लर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लर होगा, तो आप लोग भी अपने पिक को कुछ इस टाइप से ब्लर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर करने के बाद इस पिक को यहाँ से सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से यहाँ से टूल्स पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। और टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए ब्रश का ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी फ्रेंड्स सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे फेस को गोरा करने के लिए और हेयर को फ्रेंड्स ब्लैक करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को फेस पे रख लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्लस वाले पे, तो इसके बाद आप लोग को फ्रेंड्स हेयर पीस को रख लेना है और कुछ इस तरीके से आप लोग को इसका ब्राइटनेस कम करिएगा और सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करना है और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका ब्राइटनेस आप लोग को बढ़ा देना है और सेचुरेशन कम कर लेना है फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने फेस पे इसको कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हम लोग भी कुछ इस टाइप से रख लेंगे और इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, फेस को गोरा कर लेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग फिर से फ्रेंड टूल्स पे जाएंगे लिप को रेड करने के लिए। तो टूल्स पे जाने के लिए आप लोग को ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को नीचे देख लीजिए सेचुरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा और इसको 10 पे ही रख लीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप लोग अपने लिप पे इसको अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग का लिप रेड होगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को अप्लाई कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इसको यहाँ से डन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स डन करने के बाद हम लोग अपने फेस को स्मूथ करने के लिए ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका सेटिंग देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से अपने फेस को स्मूथ करिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग स्मज में देख लीजिए, स्मज लिखा है इसमें फ्रेंड्स आप लोग को ए वाला ब्रश लेना है देख लीजिए। और इसका सेटिंग फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, सेटिंग वही रखिएगा फ्रेंड्स, उससे कम या ज़्यादा मत रखिएगा। तो फ्लो को फ्रेंड्स 5 पे और स्ट्रेंथ को फ्रेंड्स आप लोग को 9 पे रखना है और ब्रश का साइज अपने फेस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। जूम करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ जूम करिएगा और नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को लेफ्ट या राइट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ब्रश का साइज छोटा या बड़ा होगा। तो हम लोग ब्रश का साइज बढ़ा लेंगे और कुछ इस तरीके से आप लोग को गोल गोल करना है फ्रेंड्स, फेस पे आप लोग को गोल गोल करना है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप लोग को निशान नहीं रहेगा। बहुत से लोग बता रहे थे कि निशान रह जाता है, तो आप लोग गोल गोल ही करिए तो फ्रेंड्स आप लोग को निशान नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी अपने फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दबाजी मत करिएगा, आप लोग को आराम से करना है फ्रेंड्स। मैं वीडियो को फास्ट किया हूँ तो हम लोग कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को फेस स्मूथ करना बढ़िया तरीके से नहीं आ रहा होगा तो उसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स फेस स्मूथ कैसे किया जाता है। तो हम लोग फेस को स्मूथ कर लिए हैं और उसके बाद आप लोग को ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रेंड्स इसको सेव कर लीजिएगा।